जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य से संबंधित बीए सेकेंड ईयर के जो हिंदी भाषा नैतिक मूल्य सब्जेक्ट है, इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, जिनमें से जो परीक्षाएं होती हैं इसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें से जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा अवश्य देखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी जो है नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। तो बेल आइकन को दबाएँ और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पहुँचे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी पीडीएफ फाइल वहाँ पर उपलब्ध कर देते हैं और बहुत सारा स्टडी मटेरियल सही विषयों से संबंधित आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि कवि ने तोड़ती पत्थर स्त्री को किसके पद पर देखा है। तो किसके पद पर देखा है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह है इलाहाबाद, विकल्प नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर चार बिल्कुल सही आंसर है कि कवि ने तोड़ती पत्थर स्त्री को किसके पद पर देखा है, तो इलाहाबाद के पद पर देखा है। अगला क्वेश्चन है कि तोड़ती पत्थर कविता में किसका चित्रण है। तो क्या होगा इसका सही आंसर कि तोड़ती पत्थर कविता में किसका चित्रण है। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्त्री का, यानी कि विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। तोड़ती पत्थर कविता में किसका चित्रण है, तो इसका जो सही आंसर है वह है स्त्री का। अगला क्वेश्चन है कि तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री किस मौसम में कार्यरत है। तो आपको बताना है कौन से मौसम में कार्यरत है। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका जो आंसर है वह है गर्मी। गर्मी यानी कि विकल्प नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री किस मौसम में कार्यरत है, तो इसका आंसर है गर्मी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार की देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा। इस पंक्ति के अंत में कौन सा शब्द है। तो इस पंक्ति के अंत में कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो इस पंक्ति के अंत में जो शब्द है वह है छिन्नतार। कौन सा शब्द है, छिन्नतार। विकल्प नंबर चार सही आंसर हो जाएगा। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्नतार शब्द है इस पंक्ति में अंत में। अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री पत्थर किससे तोड़ रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे तोड़ रही है। तो आपका जो आंसर होगा वह है हथौड़ा। हथौड़ा विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। हथौड़ा से तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री पत्थर तोड़ रही है। अगला क्वेश्चन है कि दिमागी गुलाबी निबंध के लेखक हैं। तो इस निबंध के लेखक कौन है, गुलामी निबंध के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वह हैं राहुल सांकृत्यायन। विकल्प नंबर चार सही आंसर हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन दिमागी गुलामी के जो निबंध है इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सा, 9 अप्रैल 1893 को। कब हुआ था, 9 अप्रैल 1893 इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 में इनका जन्म हुआ था। किसका, राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन का समूचा जीवन बीता किसमें, समाज सुधार में, वाद विवाद में, धर्म साधना में या घुमक्कड़ी में। तो इसका जो सही आंसर है वह है क्या, विकल्प नंबर चार सही आंसर हो जाएगा, घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे, शैव दर्शन, हिंदू दर्शन, जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन। तो आपका जो सही आंसर है वह है बौद्ध दर्शन। जो राहुल सांकृत्यायन जी थे यह किससे प्रभावित थे, बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है दिमागी
गुलामी प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सात, धार्मिक अंधविश्वास का। धार्मिक अंधविश्वास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो पांच है, इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सात। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण गुण संधि, बिल्कुल विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बा। अगला क्वेश्चन है महाराज में कौन सा समास है। महाराज, तो आपको यहाँ पर महाराज में बताना है कि कौन सा समास है महाराज में। तो महाराज में विकल्प नंबर दा सही आंसर हो जाएगा, कर्मधारा है। कौन सा समास है? कर्मधारा समास है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण विन्यास पाठ के लेखक कौन है। वर्ण विन्यास पाठ के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर जो तीन है, इसका जो कि वर्ण विन्यास पाठ के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प नंबर आ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं जो जो वर्ण विन्यास पाठ है इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी है, तो आपको यहाँ पर सही वर्तनी देखना है। सही वर्तनी है तो इसमें जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बा, उज्जवल। उज्जवल विकल्प नंबर बा सही आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी बताना था तो आपको जो सही वर्तनी है वह है विकल्प नंबर बा, उज्जवल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मानक रूप में कौन सा है। तो आपको यहाँ पर मानक रूप में बताना है, निम्नलिखित में मानक रूप कौन सा है। मानक रूप कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर तीन, पकड़ लिया। पकड़ लिया जो है वह हिंदी में मानक रूप है। अगला क्वेश्चन है कि नारित्व का अभिशाप निबंध की रचनाकार है। तो इस निबंध की रचनाकार कौन है? तो इस निबंध की जो रचनाकार हैं वह हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नारित्व का अभिशाप निबंध कहाँ से संकलित किया गया। तो यह जो निबंध है यह कहाँ से संकलित किया गया है? तो जो नारित्व का अभिशाप है, निबंध है जो, यह संकलित किया गया है श्रृंखला की कड़ियाँ, विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है स्फुटक सी निर्मल सीता में नारी वेदना साकार हुई। तो अनंत युगों की, प्राचीन युग की, मध्य युग की या आधुनिक युग की? तो आपका जो सही आंसर है वह है अनंत युगों की, विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा, अनंत युगों की। अगला क्वेश्चन है कि नारी स्वभाव में सुकुमारता के आवरण में छुप गई तो क्या? दुर्लभता, कठोरता, आत्मीयता या दिव्यता? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर एक, दुर्लभता। दुर्लभता सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से युग की रचनाकार हैं महादेवी वर्मा? तो आपका जो सही आंसर है वह है छायावादी युग की। छायावादी युग की रचनाकार हैं कौन? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि सामनाथ की माँ ने चीप सा अंग्रेजी में क्या कहा था। तो क्या कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बा, हो डूडू। हो डूडू विकल्प नंबर बा सही आंसर हो जाएगा, हो डूडू। अगला क्वेश्चन है फुलकारी का क्या मतलब है। आपको यहाँ पर फुलकारी का मतलब बताना है, फुलकारी का क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है वह है फूलों की कढ़ाई, विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। फुलकारी का आपको मतलब बताना था, तो इसका जो सही मतलब है वह फूलों की कढ़ाई। अगला क्वेश्चन है भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो भीष्म साहनी जी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रावलपिंडी में। कहाँ पर? रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है चीप की दावत कहानी के लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चीप की दावत कहानी के लेखक हैं तो कौन है इस कहानी के लेखक? तो इस कहानी के जो लेखक हैं वह हैं भीष्म साहनी, विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा, भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है माँ ने चीप को गीत सुनाया, तो क्या होगा इसका आंसर? माँ ने चीप को गीत सुनाया, हरिया नी माए ओ मारिया या कोई नहीं या देसी गीत। तो आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर एक, हरिया नी माए, विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विराम लेने से वक्ता का भाव स्पष्ट होता है।
तो क्या है आंसर? लिखने का, चुप रहने का, बोलने का या सुनने का। तो आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 4, सही आंसर हो जाएगा बोलने का, कि विराम लेने से वक्ता का भाव इस पर स्पष्ट होता है तो बोलने का होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में विराम चिन्ह आए हैं तो कहाँ से? फ्रेंच भाषा से, संस्कृत भाषा से, या रूसी भाषा से, या अंग्रेजी भाषा से। तो आपका जो सही आंसर होगा वह है अंग्रेजी भाषा से, विकल्प नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में जो विराम चिन्ह है यह कहाँ से आए हैं? तो आपका आंसर होगा अंग्रेजी भाषा से। अगला क्वेश्चन है अल्प विराम का अर्थ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्प विराम का अर्थ होता है तो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है थोड़ी देर रुकना। अल्प विराम का जो अर्थ है वह है थोड़ी देर रुकना, विकल्प नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विराम बोध करवाता है, तो किसका बोध करवाता है? पूर्ण विराम बोध करवाता है तो वाक्य की पूर्णता का, वाक्य के अधूरेपन का, वाक्य की सार्थकता का, या वाक्य की अपूर्णता का। तो आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर ए, वाक्य की पूर्णता का, वाक्य की पूर्णता का बोध करवाता है जो पूर्ण विराम चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है कथन में जिज्ञासा या संभावना का बोध करवाने वाला चिन्ह कहलाता है, तो कौन सा चिन्ह है भाई जो कथन में जिज्ञासा या संभावना का बोध करवाता है? तो वह चिन्ह है विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेकार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से कौन डरी है? तो कौन डरी है? तो इसका आंसर क्या होगा कि बेकार, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और महंगाई से कौन डरी है? तो आपका आंसर होगा फागुन की हवा, फागुन की हवा, विकल्प नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब भी बदलता है तगड़े में बदलता है यह मौसम भीतर वाला, इस कथन में लेखक ने किस मौसम की बदली की ओर संकेत किया है? तो आपका जो सही आंसर है वह है फागुन का मौसम, फागुन का मौसम, विकल्प नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार किस ऋतु के बदलने से बाहर भीतर सब कुछ परिवर्तित होने लगता है? तो कौन सी वह ऋतु है लेखक के अनुसार जिसके बदलने से बाहर भीतर सब कुछ परिवर्तित होने लगता है? तो आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 2 बसंत। कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु है। अगला क्वेश्चन है बनिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या होगा इसका? बनिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, फसल कटाई का, फसल के रूप में ही मजदूरी लेने वाला मजदूर, विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैरवी श्यामली अरहर से क्या मांगती है? तो क्या मांगती है? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर ए, फगुआ, फगुआ इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, इंद्रधनुष का रहस्य। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इंद्रधनुष का रहस्य से, वह जल बूंदों से अलग अलग रंगों के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तो क्या बनता है? तो इसका जो सही आंसर है वह इंद्रधनुष, क्या बनता है? इंद्रधनुष, विकल्प नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से बाहर निकलने वाले सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं आपको बताना है, 3, 7, 9, 12 है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह है 7, विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश अपना मार्ग बदल लेता है, इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में? कि चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश अपना मार्ग बदल लेता है, इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, विकल्प नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से निकलने वाले रंग एक निश्चित क्रम में जमे हुए रहते हैं, 1669 में सबसे पहले इसे किस वैज्ञानिक ने देखा? तो कौन से वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1669 में सबसे पहले देखा? तो वह वैज्ञानिक थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन, विकल्प नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से
पृथ्वी की दूरी है तो कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है क्या, इसका सही आंसर क्या है? तो वह विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। विकल्प नंबर एक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में, केरल में, इलाहाबाद में या रामेश्वरम में? तो इसका जो सही आंसर है वह है रामेश्वरम। रामेश्वरम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी रामेश्वरम में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम ने किसके निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर द, विकल्प नंबर द आपका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर आर वरदराजन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम भारत रत्न की उपाधि से कब अलंकृत हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब अलंकृत हुए थे डॉक्टर कलाम जी भारत रत्न की उपाधि से? तो आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1997 में। 1997 में अब्दुल कलाम जी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो कब बने थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है 18 जुलाई 2002 को। कब बने थे? 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम ने किस पुस्तक में अपना दुविध्यापूर्ण स्थिति का चित्रण किया है? तो कौन सी पुस्तक है भाई? तो वह पुस्तक है माई जर्नी। कौन सी पुस्तक है? माई जर्नी, इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बनता है कि माई जर्नी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह है डॉक्टर कलाम। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सूर्य की सतह को कहा जाता है, तो सूर्य की सतह को कहा जाता है प्रकाश मंडल। विकल्प नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कितने दिनों में करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कितने दिनों में करता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है, यहाँ पर गलत लिखा है आंसर कि 27 दिन 32 घंटा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है 26 दिन 32 घंटा, आपका सही आंसर हो जाएगा। या आपका आंसर ऐसा होगा कि 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन है कि पहली गृहिका की खोज की थी तो किसने की थी? पहली गृहिका की खोज की थी तो आपका जो सही आंसर होगा वह है किसने की थी? जिससे पी प्याजी ने पहली गृहिका की खोज की थी। विकल्प नंबर सा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का एक लघु हिस्सा है तो क्या है? शुक्र, सूर्य, पृथ्वी या सौरमंडल? तो आपका जो सही आंसर है वह है क्या? सौरमंडल। सौरमंडल आपका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर चार। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांडीय वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का उद्भव हुआ था तो कब हुआ था? तो कब हुआ था पृथ्वी का उद्भव? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर था, लगभग चार अरब करोड़ वर्ष पूर्व पहले जो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का जो है उद्भव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइटन किसका प्रमुख उपग्रह है? तो किसका उपग्रह है यह प्रमुख, ट्राइटन? तो इसका जो सही आंसर है वह है वरुण। विकल्प नंबर बा सही आंसर हो जाएगा, वरुण। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है आपको,
तो कौन सा है, तो वह है बृहस्पति, विकल्प नंबर सही आंसर हो जाएगा। बृहस्पति जो ग्रह है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान का व्यवहारिक रूपांतरण है, तो विज्ञान का व्यवहारिक रूपांतरण है तो क्या है, तो वह है प्रौद्योगिकी। क्या है, प्रौद्योगिकी, विकल्प नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है, कौन सा देश है वह जिसको शून्य का आविष्कार का जो श्रेय है वह जाता है, तो आपका जो आंसर होगा वह है भारत। भारत आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत देश जो है इसको जो शून्य का आविष्कार का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है शून्य का प्रथम प्रयोग आचार्य पिंगल ने किया था, तो किसमें किया था, चरक संहिता में, वेदों में, पुराणों में या छंदा शास्त्रम में, तो आपका जो सही आंसर है वह है छंदा शास्त्रम में, विकल्प नंबर था सही आंसर हो जाएगा। शून्य का प्रथम प्रयोग आचार्य पिंगल ने किया था, किसमें किया था, छंदा शास्त्रम में। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी का आविष्कारक था तो कौन था, रेलगाड़ी का आविष्कारक कौन था, तो आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर द आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन विकल्प नंबर द सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुद्रण कला का आविष्कार किया था तो किसने किया था, मुद्रण कला का आविष्कार किया था तो किसने किया था, तो आपका जो सही आंसर है वह है जॉन गुटेनबर्ग ने, किसने, जॉन गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहला विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी यंत्र कब बना, तो यह कब बना था, पहला विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी यंत्र कब बना था, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर तीन सही आंसर हो जाएगा, 1887 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरमन होलरिथ कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो हरमन होलरिथ जो वैज्ञानिक थे कहाँ के थे, जर्मन, अमेरिका, जापान या इंग्लैंड, तो आपका जो सही आंसर है वह है अमेरिका, विकल्प नंबर बा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वंद समास का उदाहरण है, अब समास संरचना और प्रकार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो द्वंद समास का उदाहरण बताना है, द्वंद समास का जो उदाहरण है वह है सुख और दुख, सुख और दुख विकल्प नंबर बा सही आंसर हो जाएगा, सुख और दुख। अगला क्वेश्चन है कामचोर शब्द में कौन सा समास है, कामचोर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद समास, बहुव्रीय समास या तत्पुरुष समास, तो इसका जो सही आंसर है वह तत्पुरुष समास, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कामचोर जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको कहते हैं द्विगु समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास या द्वंद समास, तो आपका जो सही आंसर होगा वह द्वंद समास, विकल्प नंबर जो चार है आपका वो सही आंसर हो जाएगा, द्वंद समास। अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो कौन सा समास कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास कहते हैं, विकल्प नंबर सा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है, तो आपको जो चौराहा शब्द है एक बार कौन सा समास है जिसका उदाहरण है, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास, तो आपका जो सही आंसर होगा वह है द्विगु, द्विगु समास, विकल्प नंबर आ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे तो कौन थे, तो आपका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर आ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विकल्प नंबर आ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, तो आपका जो सही आंसर होगा वह है एवा दिवस, एवा दिवस सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान किस दिन दिया था, तो किस दिन दिया था, तो आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर एक
11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था। तो क्या कहकर संबोधित किया था, माताओं और बहनों, अमेरिकाओं, अमेरिकावासी भाइयों बहनों, या अमेरिका के श्रोताओं, या अमेरिका के भाइयों। तो आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बा कि अमेरिकावासी भाइयों और बहनों कर कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म के प्रतिनिधि के रूप में व्याख्यान दिया था। तो आपका जो सही आंसर है वह है भारत। भारत आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है धर्म और राष्ट्र आलेख में किसके विचार हैं। धर्म और राष्ट्रवाद आलेख है जो इसमें किसके विचार हैं, तो इसमें विचार हैं महर्षि अरविंद। किसके, महर्षि अरविंद, विकल्प नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द सीक्रेट ऑफ द वेद जो पुस्तक है यह किसकी है, तो यह है महर्षि अरविंद घोष की, अरविंद घोष जी की यह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है धर्म और राष्ट्रवाद आलेख किस पुस्तक का अंश है। तो आपको आंसर बताना है कौन सी पुस्तक का यह अंश है, धर्म और राष्ट्रवाद। तो आपका जो सही आंसर है वह है भारत का पुनर्जन्म। भारत का पुनर्जन्म विकल्प नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म की सुरक्षा का भार किसे सौंपा गया। तो किसे सौंपा गया, तो आपका जो सही आंसर है वह है जाति, आर्य जाति को। किसको, आर्य जाति, यानी कि विकल्प नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म की सुरक्षा का भार किसे सौंपा गया, तो आर्य जाति को। अगला क्वेश्चन है कौन सा धर्म सनातन धर्म कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा धर्म सनातन धर्म कहलाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो है यह कौन सा धर्म कहलाता है, सनातन धर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सादगी पाठ लिखा गया है तो मेरी कहानी से, मेरी आत्मकथा से, या भारत की कहानी से, या सत्य के प्रयोग से। तो आपका जो सही आंसर है वह है सत्य के प्रयोग से, विकल्प नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा। सादगी पाठ लिखा गया है सत्य के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है कि किस खूबी को महात्मा गांधी अपने मित्रों को नहीं समझा पाए। तो कौन सी खूबी थी, तो आपका जो सही आंसर है वह है स्वावलंबन की जो खूबी है यह महात्मा गांधी अपने मित्रों को नहीं समझा पाए। अगला क्वेश्चन है गोखले के सम्मान में भेज दिया था यानी कि, तो गोखले के सम्मान में भेज दिया था जोहान्सबर्ग ने भोज दिया था, तो किसने दिया था, जोहान्सबर्ग ने, विकल्प नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सादगी पाठ में घटित घटनाएं किस देश से संबंधित रखती हैं। तो कौन से देश से संबंधित रखती हैं सादगी पाठ में घटित घटनाएं, तो आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी मजाक का साधन बन गए, तो क्या है इसका आंसर, महात्मा गांधी मजाक का साधन बन गए। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 बेरी स्ट्रॉ के लिए, विकल्प नंबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करें दोस्तों को, और अन्य ग्रुपों पर जो फेसबुक है और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी फायदा हो सके और वह भी यह वीडियो देख सकें। और बेल आइकन पर दबाएं, और बेल आइकन दबाने पर आपको ऑल पर क्लिक करना होगा ताकि ऑल वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँची। और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल यहाँ पर उपलब्ध कर देते हैं। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको सही विषयों से संबंधित यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।